श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धन और सुख पाने के लिए घर में लाएं ये सामान। घी, प्रतिदिन घर के मंदिर में गाय के घी का दीप अर्पित करना और प्रसाद भोग लगाने से देवी देवता अति शीघ्र आपनी कृपा बरसाते हैं। काफी किस्म का घी बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन गाय के दूध से बना घी ही देवी देवताओं को अर्पण किया जाना चाहिए और घर में भी रखें। पानी, कम कमाई में भी पैसा जोड़ना चाहते हैं तो अपने वॉशरूम में हमेशा एक बाल्टी पानी भर कर रखें। घर में मेहमान आने पर सबसे पहले उन्हें पानी दें। ऐसा करने से अशुभ ग्रह शुभ होते हैं। शहद, वास्तु अनुसार घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह शहद की पॉजिटिव एनर्जी से मिलकर समाप्त हो जाती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को फायदा होता है। इसलिए बहुत से घरों में इसे अवश्य रूप से रखा जाता है। शहद को किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और फिजूल खर्चों में कमी आएगी। चंदन, ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि सप्ताह भार के अनुसार तिलक लगाने से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है और उनसे श्रेष्ठ एवं शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। चंदन तिलक को धारण करने का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक शीतल होता है, उसे धारण करने से पापों का नाश होता है। इसकी खुशबू से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वीणा, विद्या, ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के हाथों में सदा वीणा रहती है। पुराणों में माँ सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाला कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता, इसलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें यह संदेश देना चाहती है कि हमें कितनी ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। घर में सदा देवी सरस्वती का रूप और वीणा रखें। बांसुरी, जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां प्रेम और धन की कोई कमी नहीं रहती। सामान्यतः घर में बांस की बांसुरी रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इस बांसुरी से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।